नमस्कार दोस्तों, वेलकम लाइफ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो सरकार ने आपकी जो भी गाड़ियां हैं, जो भी ड्राइवर है, जो भी ट्रांसपोर्टर है, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ यहां पे निकल के आई है। न्यूज़ क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने ये जो है आपने अपील की थी जो भी ट्रांसपोर्ट ने, क्योंकि जो भी गाड़ियाँ खड़ी है, जाहिर सी बात है कि वो जब तक गाड़ियाँ कमाएंगी नहीं तो उनका किस्त कैसे भरा जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि आपकी जो है 3 महीने तक की किस्तों के बारे में कुछ उन्होंने विचार किया है कि 3 महीने तक आपकी किस्त नहीं ली जाएगी। और ये कैसे क्या कुछ करना होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि 3 महीने तक आपकी ये बातें मान ली जाएगी। वो किन किन की बातें मान जाएगी? जो गाड़ी बना रखी है या फिर जो भी ट्रांसपोर्टर है और जिन्होंने लोन ले रखा है बैंकों से। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने लोन ले रखा है, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे वो घर का हो, या फिर किसी भी चीज़ का लोन हो, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। मान लीजिए आपके पास सरकारी नौकरी है और आपकी सैलरी 80,000 है, और आपकी जो सैलरी है वो महीने में आती है, और फिर अगर आप उनको ये कहते हो तो ये जो है मार्च 27 को लागू किया गया है सरकार के द्वारा, जिस स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन। तो सरकार ने यह कहा है कि ये उनके लिए है जिनकी जो है कुछ कमाई नहीं हुई है इस लॉकडाउन के तहत। ऐसा नहीं कि अगर आपने कमरे के लिए लोन ले रखा है और आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आप ये कहते हैं कि मुझे 3 महीने की मोहलत दी जाए, तो वो तो गलत होगा सरासर। सरकार ने यह भी कहा है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने ये जो है अपील सबकी मान ली है। लेकिन ये आपको कैसे मिलेगा? ऐसा नहीं है कि ये सभी को मिल जाएगा। इसके लिए आपको जो भी बैंक कर्मचारी जिस भी बैंक में है, आपका किसी भी बैंक में खाता हो उस पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी बैंक हो, कोई भी, चाहे आपने किसी भी फाइनेंस से लोन लिया हुआ। तो अब बात करते हैं, जो भी आपकी बकाया किस्तें बची हुई हैं तो उनका जो है ब्याज भी आपको देना होगा। कभी ये सोचते हो कि आपको इनका ब्याज नहीं देना होगा? जब भी आप किस्त भरेंगे तो आपकी किस्तों के हिसाब से जो भी आपका ब्याज है, जो भी आपकी जो बकाया राशि बची हुई है, उसका सभी मिला के या तो आपकी किस्त में बढ़ोतरी कर दी जाएगी या फिर आपकी जो किस्तें हैं एक किस्त और बना दी जाएगी आपकी। लेकिन आपकी जो हिदायतें हैं वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान ली है, जो भी भारतीय रिजर्व बैंक है। तो आपने अगर एक किस्त भर दी, क्योंकि मार्च 27 को ये लागू किया गया था, अगर आपने एक किस्त भर दी है तो 2 किस्तों के लिए आप अपील कर सकते हैं, 2 किस्तों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया हुआ फैसला है। आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं अगर आप एक ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि अब जो है ये सिस्टम बहुत डाउन चल रहा है, आप समझ सकते हैं। और इसके द्वारा आपको बहुत लॉस हुआ हो, क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी हैं जहाँ पे माल था, ड्राइवर भी वहीं के वहीं खड़े हैं, ना ही कहीं आना है ना ही कहीं जाना है। तो इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें, ब्याज वगैरह सब कुछ लिया जाएगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो किस्त भर सकते हैं, वरना अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मानता हूँ कि लॉकडाउन में आपसे प्रॉब्लम बहुत आएगी जब भी आप बैंकों में जाओगे, लेकिन कैसे ना कैसे करके आप कनेक्शन कर सकते हैं बैंकों में, जो भी मैनेजर है उनको ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पहली बार आए हो तो लाइक ज़रूर कर जाना, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।